शर्मनाक शर्मनाक हार मिली हमें। और देख रहे हैं वसीम अकरम साहब, अब वो उनके दिल पे क्या गुजरी होगी, 92 का वर्ल्ड कप, जी जी जी, स्विंग गोल सुल्तान, ग्रेट फास्ट बॉलर, क्रिकेट का पैशन कहाँ पे था, क्या लेवल था, उनका दिल रो रहा है, हम लोग यहाँ पे रो रहे हैं, वो ग्राउंड में है, उनका हाल क्या होता होगा। आप देखिए कहाँ जाए इंसान, कहाँ जाके खेले, कुछ चांद पे विकेट लगवा लेते हैं, कुछ ही रन बन जाए वहां पर, मतलब यहाँ पर तो भाई नहीं होने वाला, बहुत मुश्किल है। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं इरादा करके आई थी कि मैं आज बाबर को सपोर्ट करूंगी, मैं शादाब की बहुत तारीफें करूंगी, मगर जिस तरह से बाबर भी आउट हुए और जिस तरह से अभी सारी विकेट्स गई हैं, बहुत अफसोस हो रहा है। यूएसए है, इंडिया क्या हाल करेगा इस तरह से देखा जाए तो। कि मर जाए पाकिस्तान, गिर जाए पाकिस्तान, इनकी जोड़ी ना टूटे, मेरी मैं लानत देता हूँ जवानों में जिन्होंने इन घंटे के छप्पे राज्यों को पाकिस्तान के सर पर लात कर रखा, कट कमीशन के बैग लेके रखा, अब लानत है तुम लोगों पे। अब चने रोना दो ना चाचा, चाचा बाबर आजम कहाँ है, चाचा रिजवान। मैम क्या कहेंगे आज की हार पे आप? बहुत बुरा था, बहुत एवरेज फील्डिंग की हमने यार, इसमें बात कोई दो राय नहीं है, एवरेज फील्डिंग, एवरेज बॉलिंग, एवरेज कैप्टनसी और एवरेज बॉलिंग हम करते हुए। ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है आपका कि आप लोग हर वर्ल्ड कप में जलील हो जाते हो, आप लोग हर वर्ल्ड कप में मुंह काला करवाते हो। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान की इस टीम ने कमाल कर दिया, झंडे गाड़ दिए, झंडों के साथ कौम के को डंडे गाड़ दिए इन्होंने, दफन हो गई है पाकिस्तान की क्रिकेट, यकीन करो जनाजा निकल गया पाकिस्तान क्रिकेट का। और अगर इसके बाद मुझे किसी ने बोला ना कि पाकिस्तान क्रिकेट की बुराई मत करो, मैं तुम्हारे घर में घुस गया ऐसा हाल करूंगा, बेघर थे बच्चों तुम्हारा, तुम अभी पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करोगे, तुम अभी पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में अच्छा बोलोगे, तुम अभी पाकिस्तान को सपोर्ट करोगे। अबे इन दो टके के प्लेयर्स की जो 25-25 डॉलर में लोगों को सेल्फी देते हैं, घंटे के बच्चे आगे बकवास करते हैं, इंडिया फिक्स करके खेलता है। बेटा मैंने एक चीज कल बोली थी कि इंडिया की तरह आप उस मैच में डोमिनेट करना, उन्होंने कहा आयरलैंड को आयरलैंड की तरह खेला है, आप कंटे के बच्चे, आपने क्या किया, क्या परफॉर्मेंस है पाकिस्तान, कैसे मैच हार गए आप, क्या वर्ल्ड टी20 खेलेंगे। लेकिन हमारी अपनी टीम के हवाले से बहुत सारे सवाल दिखाई दे रहे हैं। देखें पाकिस्तान टीम और अमेरिका के फर्क का आप अंदाजा करें, इनके नहीं हुए हैं ट्रेनिंग सेशन, इनके नहीं हुए हैं, फोन से बैठे रहे हैं, रेस्ट करते रहे हैं, मीट एंड ग्रीट कर रहे हैं वहां पर, मिलने के लिए उन्होंने $25 की टिकट लगाई हुई है वहां पर, चाय ढूंढ रहे हैं, दूध पत्ती ढूंढ रहे हैं, परफॉर्मेंस हो नहीं रही है। अब आप देखिए बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम कैसे कहेंगे कि शादाब और मेरी अच्छी पार्टनरशिप लगी, बहुत अच्छी हमारी परफॉर्मेंस गई, फिर मोमेंटम टूट गया। यकीन करो इन पाकिस्तानी, मैं दिल कर रहा था पत्थर उठा के इनके सर पे मार दूं, जितनी घटिया बदतरीन परफॉर्मेंस आज दिखाई है, एक एक प्लेयर दे, कौन सा पाकिस्तान का प्लेयर है जिसने आज बताया कि भाई मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूं, सबने यही कहा कि भाई हम तो अपने लिए खेल रहे हैं, हमें अपनी जगह बनानी है, और फिर भी कुछ नहीं कर पाए, इतनी घटिया और स्लो मतलब बैटिंग यार, लानत है। और किसी ने बोला ना कि भाई पिच खराब थी, भाई यूएसए के लिए पिच खराब क्यों नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, आप लोगों का स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज रिएक्शन के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो के इंट्रो में देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया में बिल्कुल कयामत सा मचा हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान की टीम कल वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच यूएसए के खिलाफ खेली, जिसमें यूएसए की टीम ने सुपर ओवर में पाकिस्तान की टीम को हरा दिया। दोस्तों मुझे यकीन है कि आप लोग भी इस खबर को सुनकर एक बार जरूर सदमे में गए होंगे कि पाकिस्तान एक वर्ल्ड क्लास की टीम है जिसने कई बार वर्ल्ड कप खेले हैं, वहीं पर यूएसए की टीम जो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही है और वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में पाकिस्तानी टीम को हरा दिया, ये यूएसए के लिए कितनी बड़ी बात है, वहीं पर पाकिस्तान के लिए कितनी शर्म की बात है। लेकिन पाकिस्तान के इन खिलाड़ियों को शर्म तो आएगी ही नहीं, क्योंकि ये अपने शर्म तो $25 में बेच दिए हैं, ऐसा कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। दोस्तों ये वही पाकिस्तानी है जो कहते हैं हम भारत को हराएंगे और वर्ल्ड कप जीतेंगे, अब इनसे यूएसए की टीम से नहीं जीती जा रही है मैच, और ये बराबरी करने की बात करते हैं भारत से, इनको कितनी शर्म आनी चाहिए मैं तो ये बयां भी नहीं कर सकता। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो पाकिस्तान की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाए, वहीं पर यूएसए की टीम ने भी 20 ओवर में 159 रन बनाए सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद मैच सुपर ओवर में गया और यूएसए की टीम ने सुपर ओवर में बहुत ही आसानी से जीत लिया, जिसको देखने के बाद पाकिस्तान के हर एक पूर्व खिलाड़ी रो रहे हैं और कह रहे हैं क्या यही दिन देखने के लिए बाकी रह गया था। चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो में और क्या कहना है पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों का। क्या तरीका है, ये क्या तरीका है आपका कि आप लोग हर वर्ल्ड कप में जलील हो जाते हो, आप लोग हर वर्ल्ड कप में मुंह काला करवाते हो। आयरलैंड के ऊपर बड़ी बकवास कर रहे थे कल कि इंडिया ने जो मैच फिक्स करके खेला, आप तो अब इंडिया कल आयरलैंड को फेल के गया था, उनकी औकात के मुताबिक खेल के गया था, उनको आपके अबू रोहित शर्मा ने कल 52 मारा था उस पिच के ऊपर जहां यह घंटे का बच्चा दो वाले भी खेल जाता, मेरे मुंह पे चपेट मारनी थी आके। बाबर आजम क्या करके गया यार,
ये इनिंग है। अभी कुछ घंटे का फैन ये सोनू पीली चप्पल टाइप के बंदे इस इनिंग को भी डिफेंड करेंगे। 44 रन 43 बॉलों पे टी ट्वेंटी क्रिकेट में वर्ल्ड कप जैसी स्टेज पे टीम के हल लगवा के ये बंदा चला गया। यूएसए है, यूएसए उनका पहला टूर्नामेंट है। पाकिस्तान कई टी20 खेल चुका है। पाकिस्तान ने टी20 में इंडिया जैसी टीम को ऑल आउट किया था, यही प्लेयर्स थे भाई। आज हम कहां खड़े हैं, हम यूएसए के खिलाफ ऐसे डर डर के खेल रहे हैं। मतलब इतनी खुशी से इंसान मैच लगाता है यार, टीवी ऑन किया आज के सारे मिलके बैठे और ये सूरत हाल देखने के लिए हम वहां पर बैठे हैं। फिर मुझे सारे कहते हैं कि आप बाबर पर तनकीद ना करें, तो तनकीद ना करें तो और क्या करें, अभी भी तारीफ करें। यूएसए के खिलाफ हम डर रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं कि हम मैच जीत जाएं, मैच जीत जाएं। मतलब कहां जाएं, समझ से बाहर है। मैं कोई तारीफ नहीं सुन रही आज पाकिस्तान टीम के खिलाफ। इस टीम से उम्मीदें लगा के जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हम लोग एक दफा नहीं 100 दफा कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आती। मैंने तो इस टीम से उम्मीद छोड़ दी है। अब मैं भाई वलीद भाई लाइफ का क्या इरादा करनी है, बनती है भरोसे रहेंगे हम लोग, क्या करें इस टीम के लिए कि हम लोग को परफॉर्मेंस करके दिखाए। सुबह से ना, सुबह से नेट वाले को फोन करो, प्रैक्टिस शुरू करो। उमर भाई यही बचा है हमारे पास। सही बात है यार, बिल्कुल सही। ये हम क्या करें इस टीम का, ये जिस टीम में आजम खान जैसे हमारे पास तोहफे हो, इफ्तिखार अहमद जैसे तोहफे हो, हम लोग उस टीम में क्या करेंगे। आज शादाब खान बच गया, आज सिर्फ बैटिंग की वजह से बच गया। वो बाबर आजम साहब कैप्टन साहब आके डॉट बॉल्स खेल रहे हैं, पावर प्ले में स्कोर नहीं कर रहे। इस टीम के साथ हमने जब जब उम्मीदें लगाई है मैंने उन्हें दुखी किया। हेलो बात बताऊं क्या, बात सिंपल सी ये है कि आज तक ऐसा कभी हिस्ट्री के अंदर नहीं हुआ होगा कि ये जिसको कहते हैं ना पहला मैच ही अपनी उस टीम से हारने है। ये तो कोई सोच भी नहीं सकता यार कोई। अबे इन 2% के प्लेयर्स के जो 25-25 डॉलर में लोगों को सेल्फियां देते हैं, जो 25-25 डॉलर में लोगों से पिछवाड़े मरवाते हैं, जो 25-25 लोगों के 25-25 डॉलर के लिए नंगे होकर लोगों के बिस्तर पे लेट जाते, तुम ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हो। ओ इन बेगैरतों से यकीन करो, मैं कहूंगा युगांडा की टीम अच्छी, कम से कम गैरत तो है, जीत तो गए हैं। हमारी ये पाकिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप की ये शुरुआत है यार, ये शुरुआत है इस पाकिस्तान टीम की। इन बेगैरतों को थोड़ी शर्म नहीं आ रही, ये बेगैरत डूब के मर जाने के लायक है। यकीन करो इन पे पाकिस्तानी, मैं आज कर रहे कदम से पत्थर उठा के इनके सर पे मार दूं। जितनी घटिया और बदतरीन परफॉर्मेंस आज दिखाई है, एक एक प्लेयर ने, कौन सा पाकिस्तान का प्लेयर है जिसने आज बताया कि भाई मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूं। सब ने यही कहा कि भाई हम तो अपने लिए खेल रहे हैं, हमें अपनी जगह बनानी है, और फिर भी कुछ नहीं कर पाए। इतनी घटिया और स्लो मतलब बैटिंग यार, लानत है। आप लोगों ने वीडियो में देख लिया होगा कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी किस तरीके से अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब हम स्टूडियो में बैठकर अपनी टीम की परफॉर्मेंस को देखकर रो रहे हैं, तो जो हमारे खिलाड़ी वसीम अकरम और लोग स्टेडियम में मौजूद हैं और वहाँ लाइव अपने आँखों से या माजरा देख रहे हैं, उनके दिल पर क्या गुजर रहा होगा। लेकिन हमारे खिलाड़ियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाली, क्योंकि इनको चाहिए चाय पिज़्ज़ा बर्गर। ये जाएंगे पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे और सो जाएंगे, इन्हें पता भी नहीं है कि ये जीते हैं या हारे हैं, इनको इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं। ये इस समय क्रिकेट को बिल्कुल इंटरटेनमेंट के रूप में देख रहे हैं कि हमें जानना है चौके छक्के मारने के ट्राई करने, मार तो पाना नहीं है और आउट होकर आके ड्रेसिंग रूम में बैठकर फिर गुलछर्रे उड़ाना है, उसके बाद होटल में जाके सो जाना है। ऐसा कहना है पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों का। दोस्तों यदि देखा जाए तो ये वास्तव में बहुत ही शर्म की बात है। पाकिस्तान की टीम एक वर्ल्ड क्लास की टीम, वहीं पर यूएसए की एक नई नवेली टीम, नए लड़कों से सजी हुई टीम है, और वो जिस तरीके से पाकिस्तानियों को फेटा लगाया है, वास्तव में बहुत ही शर्म की बात है। दोस्तों अगर इस मैच की बात करें तो पाकिस्तान की टीम ने पहले बैटिंग किया था और 159 रन बनाए थे, उसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम ने भी 20 ओवर में 159 रन बनाकर इस मैच को डरा कराया। उसके बाद मैच सुपर ओवर में गया और यूएसए की टीम ने सुपर ओवर में इस मैच को बहुत ही आसानी से जीता। यदि पाकिस्तान के खिलाड़ियों की बात करें तो उनकी शुरुआत बेहद ही ख़राब रही। मोहम्मद रिजवान मात्र 9 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम एक ऐसा व्यक्ति था जिसने 43 गेंद में 44 रन बनाए। इसके अलावा उस्मान खान 3 रन बनाया, फ़खर जमाल 11 रन बनाया, शादाब खान 40 रन बनाया, आजम खान एक बार फिर से 0 पर आउट हुआ, इफ्तिखार अहमद 18 रन बनाया, शाहीन अफरीदी 23 रन बनाया और हैरिस रऊफ 3 रन बनाया। वहीं पर इनकी गेंदबाजी की बात करें तो इनका मेन बॉलर
तुर्रम खान माने जाने वाला शाहीन साहब रेदी 4 ओवर में 33 रन दिया और इसको कोई विकेट नहीं मिला। इसके अलावा मोहम्मद आमिर ने 4 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट झटका। नसीम साहब भी 4 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट झटका। वहीं पर हैरी श्रॉफ 4 ओवर में 37 रन देकर 1 विकेट झटका। शादाब खान और इस्तिकार अहमद को कोई विकेट नहीं मिले। इस वजह से पाकिस्तान की टीम हारी क्योंकि इनके स्टार गेंदबाजों ने तो अच्छा परफॉर्मेंस किया ही नहीं किया, अब बल्लेबाजों ने तो पहले ही नहीं किया था। तो इस टीम को जब ये स्कोर बनाए थे तभी लग रहा था कि यह टीम हार सकती है और बाद में वैसा ही हुआ। तो दोस्तों आप लोगों का इन पाकिस्तानियों के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।